अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पे लिया है उबले हुए आलू 6, हाफ टी स्पून करीब कश्मीर मिर्च, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी 1 चुटकी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिक्की के शेप्स बना लूंगी। हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, तो ऐसे मैं टिक्की के शेप्स दे लूंगी। आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने ऐसे टिक्कीज बना लिए हैं और टिक्कीज बना लूंगी। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, इसको पानी में थोड़ा सा घोल लूंगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। तेल गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप कर रही हूँ। एकदम हल्के हाथ से डिप कीजिए और धीमी आंच में रख दीजिए गैस को। मैंने एक साइड से पलट लिया है तो दूसरे साइड को होने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने साइड में रख लिया है, बाकी टिक्कीज में ऐसे फ्राई कर लूँगी। तो बाकी के टिक्कीज मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, और ये भी है, इसको भी मैं निकाल दूंगी अभी टिश्यू में। इसके बाद प्लेटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमारा टिक्कीज बन के रेडी है, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और दुआ में याद रखिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।